Good morning everyone. So after the end of chapter 2, now we are going to start chapter 3, which is our periodic properties. Now, before we move to this chapter, first we are going to talk about periodic table. What is the periodic table? My first concept is, what do you mean by periodic table? Periodic table का meaning क्या होता है? अब क्या होता है देखिए, periodic table में हमने कुछ elements को arrange किया था जो discovered हुए थे। तो arrangement का मतलब ये नहीं था कि आपने random arrange कर दिया। अरेंजमेंट का मतलब ये था कि आपने जो एलिमेंट जिस भी एड्रेस पर रखा है वो एक सिस्टमेटिक टेबुलर वे में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ एलिमेंट्स को जहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक टेबुलर वे पर अरेंज करते हो, उस पूरे चार्ट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, वो क्या है? पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक टेबुलर वे of writing the elements discovered इसको हम क्या बोलेंगे? periodic table। अब देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता किया था कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हम एक एक के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में करेंगे डिस्कस कि इन्होंने क्या देखा, कैसे देखा। सबसे जो पहला साइंटिस्ट आए थे वो थे प्राउस्ट, PROUST। द फर्स्ट साइंटिस्ट विच वी केम अक्रॉस वॉज प्राउस्ट। अब प्राउस्ट का क्या कहना था? प्राउस्ट का ये कहना था कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्राउस्ट का ये कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। और जो भी उनके प्रॉपर्टीज थे वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राउस्ट का क्या बोलना था? प्राउस्ट का ये बोलना था कि अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ All the elements are made up of hydrogen atom and their properties are integral multiple of hydrogen and their properties are integral multiple of hydrogen। लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नहीं बने थे। कुछ रिएक्शन से बने थे, कुछ मैन मेड थे और कुछ नेचुरली बने थे। तो जब ये फेल हुए तो इनके बाद दूसरा साइंटिस्ट आ गया,
जिसको हम क्या बोले थे, लैवोसियर, जिसको हमने उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, लैवोसियर। ये जो लैवोसियर साइंटिस्ट हैं इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ, इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका क्या था, इन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू टू पार्ट्स, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू टू पार्ट्स। इन्होंने दो पार्ट्स में एलिमेंट को क्लासिफाई किया। सबसे पहला इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट है तो इट कैन बी मेटल, और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि इट कैन बी नॉन मेटल। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो ये दो में से कोई एक हो सकता है, आइदर वो मेटल हो या वो नॉन मेटल हो। लेकिन जब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुआ था तो इनका भी थ्योरी क्या हो गया, फेल, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि एलिमेंट्स केवल दो फॉर्म में ही हो सकते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल। इन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में कोई भी बातचीत नहीं किया था। तो हम क्या बोलेंगे कि लैवोसियर को लिखेंगे कि हिज थ्योरी, हिज थ्योरी वाज डिस्कार्टेड, हिज थ्योरी वाज डिस्कार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के डिस्कवरी होने के बाद इनके थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था या फेल हो गया था। फिर इनके बाद आए थे डॉबनियर स्ट्रेट। इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो आए थे डॉबिनर्स ट्रेड। डॉबिनर्स ट्रेड इनके बाद आए थे। इनका क्या कहना था, ये एलिमेंट्स को तीन तीन ग्रुप में अरेंज कर रहे थे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइड, TRAID। जब इन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन ग्रुप में अरेंज किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो एलिमेंट सेंटर में है, उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज है, वो फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज है। अब कैसे है समझिए, पहले तो हम ये समझें कि डॉबनियर स्ट्रेट का स्टेटमेंट क्या था। ही अरेंज द एलिमेंट्स, ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप, ही अरेंज द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री, ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ थ्री नोन एज ट्राइड, group of three known as TRAID, known as triad, and according to his theory या his statement, atomic mass of the atomic mass of the middle element is the
एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्रायड, TRIAD, प्रेजेंट इन द ट्रायड, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्रायड। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूँ A, B, C, जब हम तीन का ग्रुप लेते हैं तो इसको हम ट्रायड बोले थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो बी का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एलिमेंट है ए और थर्ड एलिमेंट है सी, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमें बी का एटॉमिक मास निकल जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहला एग्ज़ाम्पल, जैसे इन्होंने एक ट्राइड लिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीन एलिमेंट है, एक ट्राइड बन गया। हमें पता है कि लिथियम का मास जो होता है वो 7 होता है, सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है, पोटेशियम का जो मास होता है वो 39 होता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या सोडियम का मास डायबनियर ट्रेट से मैच करता है कि नहीं। तो मुझे पता है कि अगर हम सोडियम का मास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। लिथियम का मास मेरे पास 7 है, पोटेशियम का मास 39 है, इसको हम डिवाइड किए 2 से, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये समथिंग हमारा आ गया 46/2 जो हमारा 23 है। मतलब डायबनियर ट्रेट से हमारा सोडियम का मास 23 आ गया और ऐसे भी सोडियम का मास 23 है, तो इस केस में डायबनियर ट्रेट क्या था, वैलिड था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक बेरिलियम, एक हमने ले लिया मैग्नीशियम, एक हमने ले लिया कैल्शियम। बेरिलियम का जो मास होता है वो होता है 9, मैग्नीशियम का मास होता है 24 और कैल्शियम का मास होता है 40। अब अगर हम मैग्नीशियम का मास डायबनियर ट्रेट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ बेरिलियम डिवाइडेड बाय 2। अगर हम कैल्शियम का मास देखें तो कैल्शियम का मास होता है 40, और दूसरा अगर हम बेरिलियम का मास देखें तो बेरिलियम का मास होता है 9, और इन दोनों का एवरेज को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये समथिंग हमारा आता है 24.5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 24, यानी इस केस में भी हमारा डायबनियर ट्रेट सेटिस्फाई कर गया। बट वेयर ही फेल्ड, माय क्वेश्चन इज वेयर ही फेल्ड। सो देयर इज वन एक्सेप्शन, and this is very very important regarding your JEE and NEET questions, that what were the exception where the Daubigny trait failed. Again he has taken one triad, fluorine, chlorine and bromine. In chapter 1 I have given some of the elements atomic mass which you should remember. So fluorine atomic mass is 19, chlorine atomic mass is 35.5, bromine atomic mass is 80. This is the information which we have given. Now I am going to check the chlorine atomic mass with the help of Daubigny's trait. So chlorine mass will be equal to the mass of fluorine plus the mass of bromine divided by 2. So what is the mass of fluorine? It is 19. Mass of bromine, it is 80.
I will divide by 2. So something it is coming as 99 by 2, which is equal to how much? 49.5. Now this 49.5 and this 35.5, they are not equal, neither they are close. So this is the example where the D'Eubigny's statement is not satisfied and his theory was again fail. But this example is very much important. You have to remember this, because in the examination they usually ask question that what was the example in which case the D'Eubigny's failed. Clear everyone? Okay. Next, after his failure, the next scientist came whose name was Newland's law of octave. Newland's law of octave. So his next question was based on Newland's law of octave. Now, what he told? So first of all, we will write the statement what he has given. Newland, he gave the idea that periodic properties of the element, are related with atomic mass of the element, He gave the idea that periodic properties of the element are related with atomic mass of the element. And he, means Newland, also mentioned that, and he also mentioned that when elements are arranged, when elements are arranged in increasing order of atomic mass, when the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, then eighth element starting from first will have similar properties to first element like musical note, Now, what he told is that if we are going to arrange the elements, like suppose he arranged lithium, beryllium, boron, carbon,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अगेन ही केम फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम. देन व्हाट ही इज सेइंग दैट द एलिमेंट्स दैट इज योर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज. अगेन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑल आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो व्हाट ही हैज सीन दैट कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, लाइक दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, मीन्स फर्स्ट एंड एट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट, दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज. बट दिस कॉन्सेप्ट वॉज अगेन फेल्ड. This concept was again failed. Why? Now see. Because after fluorine, there comes inert gas. After fluorine, there comes inert gas. So Newland's law of octave has never thought about inert gas. So when inert gas were discovered, his theory was failed. Why? Because when inert gas was discovered, after fluorine it comes neon. So this is the eighth element. So my lithium is the first element and neon is the eighth element, which do not have the same properties, because lithium is a metal and neon is an inert gas. So this method was only valid before the inert gas were invented. When inert gas were discovered, Newland's theory was failed. So what were the drawbacks of Newland's law of octave? So next I am going to focus on drawbacks. What were the drawbacks? The first drawbacks were ki Newland's law of octave was only valid up to calcium. What I will say? This theory was valid only up to calcium. Up to calcium only Newland's statement was valid. But after calcium there comes scandium, titanium, vanadium, chromium. But for such elements Newland's theory was not applicable. Therefore this theory was no more further proceeded. Second point was, inert gas was not discovered at that time. Inert gas was not discovered at that time. So when inert gas was not discovered, so this theory was satisfied. Once the inert gas was discovered, his theory was discarded. So these were the two drawbacks of Newland's law of octave. So when his theory was discarded, next who came? Next was your Lothar-Meyer classification.